मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है एमसीए ग्रुप ऑफ स्कूल्स के यूट्यूब चैनल पर। और मैं बीपी सर फर्स्ट वीडियो लेकर आया हूँ आपके लिए कंप्यूटर साइंस पर। तो हम इसमें पढ़ेंगे कंप्यूटर क्या है, व्हाट इज कंप्यूटर। ध्यान से सभी स्टूडेंट्स सुनेंगे, एक बार कंप्यूटर के बारे में हम जानेंगे। तो फर्स्ट देखेंगे हम कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर की डेफिनेशन को हम जानेंगे। तो कहते हैं कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो इनपुट डिवाइसेस के माध्यम से डेटा तथा निर्देशों को ग्रहण करके प्रोसेसिंग करने के पश्चात यूजर को रिजल्ट तथा सूचना प्रदान करता है। एक बार आप जान लीजिए फिर से, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो इनपुट डिवाइसेस के माध्यम से डेटा तथा इंस्ट्रक्शन को ग्रहण करके प्रोसेसिंग करने के पश्चात आउटपुट डिवाइसेस के माध्यम से यूजर को रिजल्ट तथा सूचना प्रदान करता है। तो देखिए कंप्यूटर तीन चरणों में चलता है। फर्स्ट इनपुट, यानी कि हम इनपुट डिवाइसेस के माध्यम से कोई भी डेटा एंड इंस्ट्रक्शन को इनपुट कराते हैं। फिर आप उस प्रोसेसिंग के बाद प्रोसेसिंग करने के बाद आउटपुट डिवाइसेस के माध्यम से यूजर को रिजल्ट तथा इंफॉर्मेशन प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से हम इसकी डेफिनेशन को समझ सकते हैं, इनपुट प्रोसेसिंग एंड आउटपुट। फर्स्ट इनपुट देते हैं हम, फिर क्या होता है प्रोसेसिंग होती है, और इसके बाद में आपको क्या प्राप्त होता है आउटपुट, इसका यानी कि परिणाम प्राप्त होता है। इसके आगे हम बढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर में। तो पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर में आप देखेंगे कंप्यूटर दो भागों में बना हुआ होता है, दो भागों से। पहला भाग हम इसका कहते हैं हार्डवेयर, क्या होता है हार्डवेयर, एंड दूसरा भाग होता है इसका सॉफ्टवेयर। तो अभी हम केवल हार्डवेयर के बारे में बात करेंगे, सॉफ्टवेयर को अभी हम नहीं पढ़ेंगे, सॉफ्टवेयर का टॉपिक आगे आपके लिए आएगा। तो अभी हम जा रहे हैं हार्डवेयर में, क्या देखेंगे हार्डवेयर। कंप्यूटर दो भागों से मिलकर बनता है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हम किसे देखेंगे हार्डवेयर। देखिए कंप्यूटर हार्डवेयर में क्या होता है, कंप्यूटर हार्डवेयर मैंने बताया था आपको कंप्यूटर के तीन भाग थे, तीन यूनिट्स में काम करता है। तीन पहले यूनिट आपके इनपुट, एंड सेकेंड प्रोसेसिंग यूनिट, एंड थर्ड आपका आउटपुट यूनिट। हार्डवेयर में आता है कंप्यूटर हार्डवेयर में यही तीनों, क्या होता है पहला होता है आपका इनपुट यूनिट, एंड सेकेंड आपका सीपीयू यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, एंड थर्ड आउटपुट यूनिट। देखा आपने कंप्यूटर हार्डवेयर तीन भागों में बैठा होता है, पहला आपका इनपुट यूनिट होता है, एंड सेकेंड आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, एंड लास्ट आपका आउटपुट यूनिट। तीन भागों से मिलकर बना होता है कंप्यूटर हार्डवेयर, तीन भाग होते हैं इसमें कंप्यूटर हार्डवेयर में। समझ में आ गया होगा सभी स्टूडेंट्स के। देखिए इनपुट यूनिट क्या होता है, हम जानते हैं इनपुट यूनिट। देखिए क्या होता है इनपुट यूनिट, बेस सभी डिवाइसेस जो इनपुट डिवाइस कहलाती हैं और वो सब मिलकर इनपुट यूनिट का निर्माण करती है। तो हम कह सकते हैं इनपुट यूनिट इनपुट डिवाइसेस से मिलकर बनी होती है, इनपुट यूनिट इनपुट डिवाइसेस से मिलकर बनी होती है, और इनपुट डिवाइसेस वे डिवाइसेस होती हैं जो कंप्यूटर में डेटा तथा इंस्ट्रक्शन को इनपुट कराने का कार्य करती है। मतलब किसी भी डेटा और इंस्ट्रक्शन को हम जिस डिवाइस के द्वारा कंप्यूटर में एंटर कराते हैं या इनपुट कराते हैं वो क्या कहलाती है इनपुट डिवाइस। समझ में आ गया तरीके, फिर से देखिए एक बार इनपुट डिवाइस क्या होती है, वे डिवाइस जिनके द्वारा हम कंप्यूटर को इनपुट डेटा या इंस्ट्रक्शन इनपुट कराते हैं वो सभी डिवाइसेस इनपुट डिवाइस कहलाती हैं। कौन कौन सी होती है इनपुट डिवाइसेस, देखिए
इनपुट डिवाइसेस एच, थोड़ा सा अपने माइंड को आप तेज करेंगे, बेट डिवाइस जिनके द्वारा हम कंप्यूटर में डेटा को एंटर कराते हैं, क्या क्या हो सकता है? कीबोर्ड, क्या होता है? कीबोर्ड। इसके अलावा क्या हो सकता है? माउस, और क्या हो सकता है? माइक, और क्या हो सकता है? वेबकैम, और कुछ बताएं? MICR एंड OCR एंड बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारी डिवाइसेस होती हैं जो इनपुट डिवाइसेस कहलाती हैं। बट हम अभी इसको देखेंगे, कीबोर्ड, माउस, माइक, वेब कैमरा, जॉयस्टिक, ये सभी क्या होती हैं? इनपुट डिवाइसेस होती हैं जिनके द्वारा हम कंप्यूटर में डेटा को एंटर करा सकते हैं। तो आपके समझ में आ चुका होगा इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं, बेस सभी डिवाइसेस जिनके द्वारा हम कंप्यूटर में डेटा को एंटर कराते हैं वो सभी इनपुट डिवाइसेस कहलाते हैं। एंड सेकेंड, आपका सेकेंड CPU, तो हम देखेंगे CPU को। CPU, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ये कंप्यूटर का CPU। CPU का पूरा नाम आपने जाना, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU का पूरा नाम होता है। तो CPU को क्या कहते हैं? देखिए, CPU का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। इस पार्ट को माइंड ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है, यानी कि कंप्यूटर का दिमाग भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि सभी प्रकार की अंकगणितीय और तार्किक गणनाएं, मैथमेटिकल एंड मैनिपुलेशंस एंड अर्थमेटिकल मैनिपुलेशंस कंप्यूटर के इसी भाग में संपन्न होती हैं। किसमें होती हैं? सीपीयू। सभी प्रकार की अंकगणितीय और तार्किक गणनाएं कहां संपन्न होती हैं? सीपीयू में। और सीपीयू के तीन भाग होते हैं। कितने होते हैं? सीपीयू के तीन भाग। तो पार्ट सब, पहला कंप्यूटर, पहला सीपीयू का पार्ट क्या होता है? मेमोरी यूनिट। कौन सा पार्ट होता है? सीपीयू का पहला पार्ट होता है मेमोरी यूनिट, एंड दूसरा पार्ट इसका ALU, जिसे हम कहते हैं अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। तीसरा पार्ट जानते हैं तो बताइए। फर्स्ट मेमोरी यूनिट, सेकेंड अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, एंड थर्ड CU, क्या कहते हैं इसे? कंट्रोल यूनिट। तो फर्स्ट आपको CPU के बारे में बताया मैंने। CPU को माइंड ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है, इसका पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। सभी प्रकार की अंकगणितीय और तार्किक गणनाएं कंप्यूटर के इसी पार्ट में संपन्न होती हैं। इसके तीन भाग होते हैं, पहला आपका मेमोरी यूनिट, दूसरा आपका अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, एंड थर्ड आपका कंट्रोल। अब हम इनके थोड़े थोड़े बारे को समझ लेंगे, लेकिन सीपीयू का जब पूरा का पूरा वीडियो बनाया जाएगा तो आपको मैं विस्तार से पढ़ाऊंगा। तो यहाँ पर देखेंगे मेमोरी यूनिट क्या होता है। देखिए, जिस प्रकार से हम अपने किसी भी डेटा को या किसी भी नॉलेज को अपने माइंड में सेट करके रखते हैं, तो कंप्यूटर के पास दिमाग तो नहीं होता है, बट उसके लिए डेटा को स्टोर करने के लिए मेमोरी लगाई जाती है। तो मेमोरी यूनिट समझ में आ गया। ये मेमोरी यूनिट दो प्रकार की होती है, एक होती है प्राइमरी मेमोरी और दूसरी सेकेंडरी मेमोरी। पहली होती है इसकी प्राइमरी मेमोरी, एंड सेकेंड टाइप उसका होता है सेकेंडरी। इसमें केवल हम डेटा को स्टोर करते हैं। फिर देखिए दूसरा पार्ट इसका आता है अर्थमेटिक एंड लॉजिक। इसका पूरा नाम अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट है, ALU के नाम से ये जाना जाता है। और देखिए, मैंने आपको बताया था कि सभी प्रकार की अंकगणितीय और तार्किक गणनाएं सीपीयू में संपन्न होती हैं, बट सीपीयू के तीन भाग हैं। सीपीयू की एक मेमोरी यूनिट जिसमें हम डेटा को स्टोर करते हैं, दूसरा पार्ट आपका अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट है,
तो देखिए यहां से अर्थमैटिक एंड लॉजिक यूनिट, मैंने कहा था सभी प्रकार के अर्थमैटिक एंड लॉजिक मैनिपुलेशन कंप्यूटर के सीपीयू में संपन्न होती है। और सीपीयू के किस भाग में संपन्न होती है तो आप जानने की कोशिश कीजिए, एएलयू में। किसमें होती है? अर्थमैटिक एंड लॉजिक यूनिट में। नाम से ही हम पहचान लेंगे इसे, सभी प्रकार की अंतर्गत और तंत्रणाएं संपन्न होती है एएलयू। क्लियर? एंड थर्ड पार्ट इसका होता है कंट्रोल यूनिट। देखिए कंट्रोल यूनिट का क्या बात है, कंट्रोल यूनिट नाम ये कंट्रोल यूनिट, इसका वर्क क्या है? देखिए जब क्या होता है कोई भी दिशा निर्देश कंप्यूटर को दिया जाता है और वो रॉन्ग वे से दिया जाए, यानी कि आप यूजर गलती कर रहा है, तो कंट्रोल यूनिट उस पर कंट्रोल करता है। इसके अलावा सभी प्रकार की हार्डवेयर डिवाइसेस पर कंट्रोल यूनिट का कंट्रोल रहता है। तो ये तीन बात आपके सीपीयू के थे। पहला मेमोरी यूनिट का, जो दो प्रकार की मेमोरी होती है कंप्यूटर की, पहली प्राइमरी मेमोरी होती है एंड सेकेंडरी मेमोरी होती है। इसको हम टेम्परेरी मेमोरी भी कहते हैं और सेकेंडरी मेमोरी को हम परमानेंट मेमोरी भी कहते हैं। अर्थमैटिक एंड लॉजिक यूनिट सभी प्रकार की अंकगणित और तार्किक प्रणालियां कंप्यूटर के इसी भाग में संपन्न होती है। एंड कंट्रोल यूनिट सभी प्रकार के दिशा निर्देशों को एंड हार्डवेयर डिवाइसेस को कंट्रोल करने का कार्य। तो आपके समझ में आ चुका होगा ये सीपीयू। लास्ट पार्ट आपका कंप्यूटर हार्डवेयर में आउटपुट यूनिट, फिर से देखेंगे हम आउटपुट यूनिट। तीसरा बात देखें आप आउटपुट यूनिट, हमने देख लिया इनपुट यूनिट को, हमने पढ़ लिया सीपीयू को, पढ़ लिया सीपीयू के तीन भाग थे मेमोरी यूनिट, अर्थमैटिक एंड लॉजिक यूनिट एंड कंट्रोल यूनिट, उनके बारे में हमने जाना। इसके अलावा आपको तीसरा भाग कंप्यूटर हार्डवेयर का तीसरा भाग आउटपुट यूनिट, तो आउटपुट यूनिट के बारे में आप जानिए। आउटपुट यूनिट क्या होती है? आउटपुट यूनिट आउटपुट डिवाइसेस से मिलकर बनी होती है और आउटपुट डिवाइसेस वे डिवाइसेस होती हैं जो प्रोसेसिंग के बाद यूजर को रिजल्ट तथा इंफॉर्मेशन प्रदान करती है। क्या करती है? आफ्टर प्रोसेसिंग यूजर को रिजल्ट तथा इंफॉर्मेशन प्रदान करती हैं, वो सभी डिवाइसेस आउटपुट डिवाइसेस कहलाती हैं। अब आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ऐसी कौन सी कंप्यूटर की डिवाइसेस होती हैं जो हम लोगों को यानी कि यूजर को रिजल्ट देती हैं या सूचना प्रदान करती हैं? तो पहला आपका देखिए प्रिंटर होता है। क्या होता है? प्रिंटर जो आपको हार्ड कॉपी देता है। इसके अलावा माइक, मैंने आपको इनपुट के रूप में बोला था तो उसका आउटपुट जाएगा तो क्या होगा? स्पीकर। साथ ही साथ प्रिंटर, लेकिन जो फ्लैक्स कॉपी बनाई जाती है आप देखते हैं यहां वहां पर बड़े बड़े बहुत ही बड़े फ्लैक्स लगे होते हैं, तो वो प्रिंटर से क्या प्रिंट हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे। तो उसके लिए क्या करते हैं? उसके लिए प्लॉटर लगाया जाता है। प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस है। तो ये प्रिंटर, स्पीकर, प्लॉटर, ये सभी क्या होते हैं? आउटपुट डिवाइसेस में आते हैं। तो इन सभी को आप ध्यान से देखिए, मैंने बोला था आपको आउटपुट डिवाइस क्या होती है। तो आउटपुट डिवाइस वे डिवाइसेस होती हैं जिन जो प्रोसेसिंग के बाद यूजर को रिजल्ट तथा इंफॉर्मेशन प्रदान करती है। तो देखिए प्रिंटर, स्पीकर, प्लॉटर एक्सेट्रा, ऐसी डिवाइसेस आउटपुट डिवाइसेस। तो क्लियर हो गया है आपको, सभी स्टूडेंट को समझ में आया होगा। मैंने आपको बताया था व्हाट इज कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या है, तो एक बार फिर रिवाइज कर रहा हूं मैं। देखिए कंप्यूटर की डेफिनेशन को, कंप्यूटर क्या होता है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो इनपुट डिवाइसेस के माध्यम से डेटा तथा इंस्ट्रक्शन यानी कि निर्देशों को ग्रहण करके प्रोसेसिंग करने के पश्चात आउटपुट डिवाइसेस के द्वारा यूजर को रिजल्ट तथा इंफॉर्मेशन प्रदान करता है। सिंपल डेफिनेशन है। सेकंड, मैंने आपको कंप्यूटर के भाग बताए थे, तो कंप्यूटर के दो भाग होते हैं। पहला आपका होता है हार्डवेयर एंड सेकंड सॉफ्टवेयर। हम सॉफ्टवेयर के बारे में नहीं पढ़ रहे थे, हमें हार्डवेयर के बारे में जानना था, तो हमने हार्डवेयर के बारे में आ गए थे। तो कंप्यूटर हार्डवेयर तीन भाग होते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर में। पहला आपका इनपुट यूनिट, दूसरा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एंड थर्ड आपका आउटपुट यूनिट। इनपुट यूनिट के बारे में आपको मैंने बताया अच्छे से, वे डिवाइसेस जो कंप्यूटर में डेटा इंस्ट्रक्शन को
एंटर कराने का काम करती हैं, इनपुट डिवाइसेस कहलाती हैं, कीबोर्ड माउस माइक ये सभी इनपुट डिवाइसेस होती हैं। सीपीयू, सीपीयू के बारे में बताया मैंने, इसे माइंड ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है, पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के नाम से ये जाना जाता है। सभी प्रकार की अंक गणती है और तार्किक गणनाएं कंप्यूटर के सीपीयू भाग में ही संपन्न होती है। ये आपने जान लिया, सीपीयू के मैंने तीन भाग आपको बताए थे। पहला आपका मेमोरी यूनिट था, मेमोरी यूनिट दो भाग बताए थे, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी को टेम्परेरी मेमोरी कहा जाता है और सेकेंडरी को परमानेंट मेमोरी कहा जाता है। सीपीयू का दूसरा भाग मैंने आपको बताया अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, जिसमें सभी प्रकार की अंक गणती और तर्क गणनाएं संपन्न होती है। सीपीयू का तीसरा पार्ट कंट्रोल यूनिट, जो सभी प्रकार के दिशा निर्देशों पर तथा कंप्यूटर की हार्डवेयर डिवाइसेस को कंट्रोल करता है। एंड थर्ड पार्ट हार्डवेयर ऑफ कंप्यूटर का आउटपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट के बारे में आपने जाना, वे डिवाइसेस जो यूजर को रिजल्ट तथा इंफॉर्मेशन प्रदान करती हैं, आउटपुट डिवाइसेस कहलाती हैं, और इनसे ही मिलकर आउटपुट यूनिट का निर्माण। तो सभी स्टूडेंट्स एक बार इससे अच्छे से पढ़ाई देखकर इसको रिवीजन करेंगे, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे।